गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। किलहोर्न फॉल्स, उत्तरी इलाका। मैं सबसे दूर आ चुका हूँ एक्समैन से, वेस्टलैंड से और अपने उन सारे बुरे सपनों से। यहाँ रहते हुए मुझे पिछले 2 हफ्तों में इतनी गहरी नींद आई है जितना कि दशकों से नहीं आई, जैसे कि मैंने खुद पे कोई जादू कर लिया हो। लोगन के दरवाजे पे दस्तक होती है जिससे लोगन जाग जाता है। बाहर मोरिन और उसकी मॉम जेनी आई हुई है जो लोगन को बताती है कि मोरिन को उसका कुत्ता नहीं मिल रहा है। मैंने मोरिन से कहा था कि आपको ना जगाए, लेकिन इसे स्कूल जाना था, हमें वो कुत्ता कहीं नहीं मिल रहा है, कल रात से वो घर नहीं आया। लोगन कहता है मैंने भी कुत्ते को नहीं देखा, मैं कल देरी से घर आया था लेकिन तब कुत्ता यहाँ पे नहीं था। अब मोरिन रोते हुए कहती है मम्मी उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। जीनी कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि आवारा कुत्ते को खाना नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत करो वो वापस आ जाएगा। मोरिन कहती है आपको कैसे पता, हो सकता है कि वो घायल हो सकता है कि किसी भालू ने उसे खा लिया हो। जीनी कहती है बेटा हम स्कूल के बाद में भी उसे ढूंढ लेंगे, अब तुम स्कूल चली जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी। अब लोगन उसे समझाता है बेटा अपनी मम्मी की बात मान लो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। मोरिन पूछती है क्या तुम उसे ढूंढ लोगे। लोगन कहता है मैं उसे ढूंढ लूंगा क्योंकि मैं चीज़ों को ढूंढने में सबसे बेस्ट हूँ। जिस पे मोरिन स्कूल जाने के लिए मान जाती है। लोगन बता रहा है कि मुझे बस 5 मिनट लगे कुत्ते की गंध पकड़ने में और बाकी 5 मिनट शहर तक आने में। ये मेरे टाइप का शहर है, ये मेरे टाइप के लोग हैं। साल के 3 महीने यहाँ एक रोड खुलता है, लेकिन इस टाइम वो रोड बंद हो चुका है। अब यहाँ से आने जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो हवा से या समुद्र से। लोग यहाँ रुके रहते हैं इसीलिए नहीं क्योंकि उनको रुकना पड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनका घर है। वो मुश्किल से जीते हैं, लेकिन उसी से जीते हैं जो कुछ उनके पास है। बाकी का संसार इस जगह से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आया, मैं यहाँ मोरिन की देखभाल करने आया हूँ और ये देखने कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। तब मुझे डॉग की स्मेल के साथ साथ एक और स्मेल मिली जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, खून की। वो कुत्ता मर चुका था। यह जानकर मोरिन बहुत टूट जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि उसे झूठ बोल दूँ कि वो कुत्ता भाग गया, लेकिन इसे भी वो सहन नहीं कर पाएगी। इस कुत्ते को मारा गया है पेने ब्लेड्स का यूज़ करके, और इसका मतलब ये है कि किसी को तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब इस खून के साथ साथ मुझे मशीन के तेल की भी गंध मिली, और तब मुझे पता चला कि मैंने अलास्का में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपने साथ कुछ बहुत बुरे लोगों को भी खींच लाया। अब लोगन देखते हैं कि वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है, और उसके बाद लोगन को शहर से मशीन गन की लगातार गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और लोगन भागकर शहर में जाता है और बता रहा है कि मैं पहले से ही कुछ लोगों को मरा हुआ देख चुका हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, काश कि मरे हुए लोगों में से मोरिन ना हो, लेकिन इनमें से कोई भी मरना डिजर्व नहीं करता। तब गोलियाँ चलना बंद हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा। और तब वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है जिससे लोगन हवा में थोड़ा उछल जाता है। तब लोगन के सामने आता है बोन ब्रेकर, जो कि एक ऐसा आदमी है जो नीचे से एक मॉडिफाइड ट्रेन से जुड़ा हुआ है और डेथ स्ट्रोक के लुटेरों में से एक है। अब बोन ब्रेकर लोगन से कहता है तो ये तुम हो, मुझे पहले डाउट था लेकिन वुल्वरिन तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतने बूढ़े कैसे बन गए। पर लोगन कुछ नहीं बोलता, जिस पे बोन ब्रेकर लोगन पे गोलियों की बौछार कर देता है। लोगन कहता है तुमसे बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में तुम मरने वाले हो। तब लोगन बोन ब्रेकर की मशीन गन को काट देता है, लेकिन बोन ब्रेकर लोगन पे एक तोप के गोले से अटैक करता है और फिर लोगन दूर जाकर गिरता है। बोन ब्रेकर कहता है जानना चाहोगे कि टैंक वाली बॉडी होने के क्या फायदे हैं। ये कहकर बोन ब्रेकर लोगन के पैरों पे अपना टैंक चढ़ा देता है जिससे लोगन को बहुत बहुत दर्द होता है। थोड़ी देर रुककर लोगन अपने दर्द पे काबू करता है और अपने क्लोज का यूज करते हुए बोन ब्रेकर की टैंक बॉडी को काटता फाड़ता बाहर आता है और कहता है जानना चाहोगे कि हाथों में चाकू होने के क्या फायदे हैं ये। और फिर लोगन बोन ब्रेकर के सिर में अपने क्लोज घुसाकर उसे मार देता है। तभी एक पुलिसमैन आकर लोगन से कहता है वहीं रुक जाओ, ये चीज़ क्या थी और तुम कौन हो। अब लोगन अपने क्लोज अंदर डालकर कहता है मैं तुम्हारी इस शहर से जिंदा बस निकलने की आखिरी उम्मीद हूँ, इसलिए अपनी गन नीचे करो और मेरी बात सुनो। ऑफिसर कहता है तुम तो बुरी तरह से घायल हो चुके हो। लोगन कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, क्या तुम्हारे साथ और कोई ऑफिसर भी है। ऑफिसर कहता है वो मर चुका है। लोगन कहता है तब तो तुम्हें कुछ अच्छे लोगों को ढूंढना होगा और सब लोगों को इकट्ठा करके खदान में ले जाना होगा, वही सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ जाकर सबको खदान के अंदर बंद कर लेना। ऑफिसर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो।
लोगन कहता है और हत्यारे भी आ रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब भागता हुआ लोगन कह रहा है, मैं अपने पैरों की मसल्स को हील होता फील कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द इस बात पे हो रहा है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। जरूर वो रिवर्स यानी कि लुटेरे मेरे पीछे यहाँ आए होंगे। मैं लालची था कि यहाँ मोरिन से मिलने आया, लेकिन मैंने उसके सामने और बाकी सबके सामने नरक ला खड़ा कर दिया। अब मेरे सिर पे और लोगों के खून का इंजाम भी लग चुका है, लेकिन मैं अभी भी इसे ठीक कर सकता हूँ। स्टॉर्म ने मुझे एक कम्युनिकेशन डिवाइस दिया था, मैंने उस डिवाइस को अपने घर में रखा था, लेकिन अब वो घर जल चुका है, मुझे नया प्लान बनाना होगा। वहीं खदान पे जिनी ऑफिसर से पूछती है कि क्या चल रहा है, क्या ये अटैक किसी आतंकवादी ने किया है। ऑफिसर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आतंकवादी है, लेकिन हम सब इस खदान में सुरक्षित रहेंगे। लोगन पूछता है, क्या सब लोग आ गए। जिस पे जीनी कहती है, नहीं वो बच्चे नहीं आए, मरीन और बाकी बच्चे स्कूल में गए थे, वो अभी वहीं पे हैं, चर्च के बेसमेंट में। ऑफिसर कहता है, ओह नो, मैंने ब्रेडला को बच्चों को लाने भेजा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, अब हमें जाकर बच्चों को लाना पड़ेगा। लोगन कहता है, नहीं तुम लोग अंदर जाओ, मैं अकेला बच्चों को बचा लाऊंगा। और फिर लोगन चला जाता है। उधर बच्चे चर्च के अंदर छुपे हुए हैं। तब मोजल जो कि बोन ब्रेकर की तरह आधा इंसान और आधा मशीन है, वो चर्च का गेट खोलता है और कहता है, डरो मत बच्चों, मैं यहाँ तुम्हें कुछ नया पाठ पढ़ाने आया हूँ। तभी लोगन मोजल के पीछे आखड़ा होता है और कहता है, सॉरी बॉब, वो तो नहीं होने वाला। और फिर लोगन मोजल को बाहर ले जाकर उसे मार देता है। अब लोगन अंदर बच्चों के पास आकर कहता है, सब ठीक है, अब हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। जिस पर डरी सैमी मोरिन लोगन से लिपट जाती है। एक बच्चा कहता है, मैं तो बाहर नहीं जाने वाला, वो चीज़ अब भी बाहर घूम रही है। लोगन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सब डरे हुए हो और डरने वाली बात भी है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते, यह जगह सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स खदान में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मैं तुम सबको उनके पास ले जाने आया हूँ, और मोरिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम अपने दोस्तों को खदान तक ले जाने में मेरी मदद करोगी। मोरिन कहती है, लेकिन मैं ही क्यों। लोगन कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहादुर हो। और फिर मोरिन मान जाती है। लोगन कहता है, ठीक है तुम सब मेरे पीछे आओ, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और साथ साथ रहना। चर्च से बाहर जाते हुए उनको मोजल का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। लोगन कहता है, इट्स ओके, उसकी तरफ मत देखो, बस मेरे पीछे आते रहो। अब जब वो लोग चर्च से बाहर निकलते हैं, तब लोगन सूंघने लगते हैं और अपने क्लोज निकालकर बच्चों से कहते हैं, अगर कुछ भी हो, कुछ भी, तुम लोग खदान की तरफ भाग जाना और रुकना मत, क्योंकि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। तब दो और लुटेरे लोगन के सामने आते हैं, जिनमें से एक बच्चे को पकड़कर लोगन को गन दिखाते हुए कहता है, हार मान लो वोल्वेरिन, वरना इस शहर में हर कोई मारा जाएगा।